तकनीक के दौर में लोग आमतौर पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वही इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर साइबर हैकर्स लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वही देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसी कड़ी में अब SBI के खाताधारकों को एक फर्जी SMS आ रहा है जिसमें उसे आयकर विभाग की तरफ से होना बताया जा रहा है। यदि ग्राहक इस मैसेज पर क्लिक करते हैं तो उन्हें अपना जमा पूंजी के साथ हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को ऐसा मैसेज से सावधान करने को कहा है। इस फेक मैसेज में लिखा है कि आपका खाता बंद हो गया है और इस अकाउंट को दोबारा ओपन करने के लिए लिंक पर क्लिक करके KYC प्रक्रिया का पूरा करें। वह हैकर्स इस लिंक के जरिए खाताधारों की सारी निजी पूंजी जानकारी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद हैकर्स ग्राहकों के खातों में से लाखों रुपये निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ये फर्जी मैसेज आता है तो भूलकर भी इस पर क्लिक करके ना करें, नहीं तो आपको चुना लग सकता है। अगर SBI के खाताधारक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी लोगों के लिए बैंकिंग फ्रॉड की सूचना देते हुए कई प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। PM News 24 की रिपोर्ट।